वेलकम बैक गाइस टू माय वीडियो। और अभी जा रहा हूँ साइकिल लेने के लिए, थोड़ा सा साइकिल लेके थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं। और सामने दुकान है, तो दोस्तों सामने आप देख पा रहे हो एक साइकिल का दुकान है, और तो वहीं पे जाके हम लोग साइकिल लेंगे। और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये मेरा कुछ साइकिल था जो मैं अपने स्कूल लाइफ से यूज़ कर रहा था, फिर थोड़ा सर्विस में भी यूज़ किया। और जो येलो कलर का जो साइकिल था उससे मैंने लास्ट टाइम 77 किलोमीटर्स तक मैंने राइड किया था, लेकिन इस बार कुछ नया लेना है और देखते हैं क्या नया है। और यहाँ पे मैंने ले लिया है, और यहाँ पे लेने के बाद मैं आपके साथ थोड़ा कुछ शेयर करना चाहूँगा जो मैंने रिसर्च अपना किया था। मतलब कोई भी साइकिल अगर लेना है आपको तो इस के ऊपर आप ध्यान दे सकते। तो सबसे पहला जो स्टेप है, फाइंड योर पर्पस। आप किस पर्पस के लिए अपने साइकिल को यूज़ करना चाहते हो वो आपको क्लियर होना चाहिए। जैसा कि कोई हो सकता है सिर्फ एक्सरसाइज के लिए, या तो फिर हो सकता है कोई एंटरटेनमेंट के लिए, या तो फिर घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो सेकेंड फैक्टर है वो है राइट टाइप ऑफ साइकिल। देखिए साइकिल तीन टाइप के होते हैं, माउंटेन बाइक, हाइब्रिड बाइक और रोड बाइक। इसके अलावा भी दो तीन और बाइक होते हैं, फैट बाइक और इलेक्ट्रिक बाइक, जो कि बेसिकली न्यू बिगिनर्स को नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से। और माउंटेन बाइक उन बंदों के लिए है जो डेली वर्क या एक्सरसाइज और डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी वर्क करते हैं। और हाइब्रिड स्कूल कॉलेज एमडीबी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज किया जा सकता है। और रोड बाइसाइकिल ये होता है स्पीड बाइक, लो एफर्ट और बहुत मस्त साइकिल जो एकदम स्पीड में चलता है, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा नंबर जो पॉइंट है वो है चूजिंग गियर वाला साइकिल या विदाउट गियर। और विदाउट कोई गियर नहीं होता है, वो सिंगल गियर होता है, सिर्फ बोलने का एक ढंग होता है। और यहाँ पे मैं क्लीन भी कर रहा हूँ, साथ ही साथ आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ कुछ नॉलेज, क्योंकि इन्वायरमेंट को गंदा नहीं करना है। तो इसीलिए मैंने वहाँ पे जो भी रैपर्स वगैरह अनबॉक्सिंग जो कर रहा था वो रैपर्स नहीं फेंका, मैंने अपने बैग में रख लिया, वो बाद में आके घर में डिस्पोज कर दिया उसको, ठीक है। और जो चौथा नंबर पॉइंट था मेरा वो है चूजिंग द राइट फ्रेम। यहाँ पे मैं एक चार्ट दे रहा हूँ, आप इसको पॉज करके देख लेना कि कौन से हाइट में कितना आपको कौन सा फ्रेम लेना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और भी इसी साइकिल से रिलेटेड, एमटीवी राइडिंग से रिलेटेड और भी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।